Now we are going to talk about the steps in making referrals. What could be the important possible steps to which we once go through while making the referrals? Before telling the client about your specific plan to refer to them, therapist should make few important things. सबसे पहले तो ये कि उनका ये एक mind make up करना कि उनको refer किया जा सकता है और आप as a therapist उन्हें किन को refer कर सकते हैं

कि जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाया जाए तो काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेट में भी रिक्वायर होता है बिकॉज दे आर द वेरी फ्यू गुड साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग हु हैव गुड सालिस्ट इन द सोसाइटी सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम पीपल लाइक टू गो टू दैम फॉर देयर यू नो एनी ऑफ द इशूज दे टू सीक हेल्प सो ऐसे सिचुएशन में जब एक रेफरल की जरूरत आती है तो वहाँ पर यह देखना कि वो बाद बुकिंग्स मंथ्स और टू मंथ्स और थ्री मंथ्स टाइम की भी होती हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थेरेपिस्ट उसको रेफर तो कर दे लेकिन वो ये ना देखिए कि जो एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम उसकी डिस्कशन में है उसको अब थ्री मंथ्स तक कोई हेल्प नहीं मिल सकेगी ये सिमिलरली ऐसा ही है जैसे एक मेडिकल पेशेंट जो एक मेडिसन ले रहा है उसको जब मेडिसन चेंज करने की ज़रूरत हो तो बीच में एक या डेढ़ महीने का ऐसा टाइम आ जाए जिसमें उसको कोई दवाई ना दी जाए सिमिलरली वो जैसे उसके लिए खतरनाक हो सकता है वैसे यहाँ पर भी खतरनाक हो सकता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसका वेटिंग टाइम पहले से ये देख के चेक करके फिर उसको रेफर किया जाए थे पाथवेज के क्या प्रोसीजर होता है कैसे हमने एक अप्रोप्रियट रेफरल करना होता है एंड द प्रोसेस विच इंक्लूड एनी काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन विच इज बी इन्वॉल्व सो इट्स नॉट दैट सिंपल प्रोसेस कि आप एक क्लाइंट को कहते हैं कि आपने कल से मेरे क्लिनिक पे नहीं आना आपने कल से जो है वो फ्लां क्लिनिक पे जाना है इसके साथ साथ उसकी पूरी फाइल उसके नोट्स उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी हिस्ट्री टेकिंग उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसकी प्रॉब्लम कैसे एलिवेट हुई वो किस स्टेज पे है एंड हाउ मच टर्नस इट हैज टेकन नाउ और उसको कौन से प्रोसीजर टेक्निक्स जो थे उनसे एक्सपोज किया जा चुका है दैट नीड टू बी फॉर्मलाइज बिफोर वी हैव टू गिव दूर की वो क्या कंस्ट्रेंस हैं या क्या चीजें हैं विच वी नीड टू टेक ऑफ इफ थे इंफॉर्मेशन अबाउट द्लाइंट देक्योर दैट देच इज फिट विद ऑल काइंडलेशन यानि हमने जो भी अब तक एथिकल गाइडलाइंस पढ़ी हैं हमने जो ए पी ए की गाइडलाइंस पढ़ी हैं हमने जो हिपा की गाइडलाइंस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो रेफरल भी किए जाएंगे सो सिंस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल एथिकल गाइडलाइंस इन अ वेरी गुड डिटेल सो अभी हम उनका जिक्र दोबारा से नहीं करेंगे बट वो सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर देखना दोबारा से ज़रूरी होगा कि क्या उनमें से किसी एथिकल ग्राउंड uh, की वायलेशन तो नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल समाइम्स सिचुएशन जस्टिफाई द ब्रेकिंग ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी लेट्स से कि थेरेपिस्ट हैज़ ऑलरेडी नो कि ये जो क्लाइंट है वो इस एट द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग एनी कॉज ऑफ डैमेज एंड हार्म टू सेल्फ टू सोसाइटी टू अदर पीपल या फिर उसके नॉलेज में कोई ऐसा सीरियस क्राइम है जिसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और वो एक इम्पॉर्टेंट विकटनेस हो सकता है और उसकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होगा लेकिन ये बात ओपन करना उसके लिए काफ़ी बड़ा डेंजर बन सकता है सो so इस तरह की जो सिचुएशनज हैं वहाँ पर यह देखना कि क्या इंफॉर्मेशन जो हम आगे दे रहे हैं वो हमने किस तरीके से पास ऑन करनी है द थेरेपिस्ट शुड इंश्योर दैट दे गेट द क्लाइंट्स रिटर्न कॉन्सेंट कि वो उसकी जो ये पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू देम सेल्स टू अनदर थेरेपिस्ट बिकॉज उसको अगर नहीं शेयर किया जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मे बी uh, वो जो क्लाइंट है वो हर थेरेपी के साथ ईजीली वो बात शेयर ना कर सके तो ये देखना कि क्या वो कम्फर्टेबल होगा और प्लस ये कि उसका रिटर्न कंसेंट भी होना चाहिए और उस वो इसलिए ज़रूरी भी है कि उसके बगैर वो थेरेपी भी यूजलेस होगी अगर ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी सो इट नीड टू बी डील इन टू अ वेरी स्मार्ट मैनर कि क्लाइंट के जो स्टेक्स हैं वो भी आ, उनके भी केयर की जाए और जो थेरेपिस्ट है वो अपने भी जो स्टेक्स हैं जो उसको उसकी जो एथिकल ऑब्लिगेशन हैं उनको भी वो फुलफिल करे इवन दो इफ थेरेपिस्ट इज नॉट एबल टू हेल्प द क्लाइंट फुली विद यर इशू बिकॉज उसी सूरत में वो रेफर कर रहा होगा द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ थेरेपिस्ट टू अंपनी दैम एज वेट ऑफरिंग दैम द कोर कंडीशन टू सपोर्ट दैम ड्यूरिंग दिस टाइम वुड बी इन वैल्यूएबल टू दैम सो इवन द इट इज बींग decided कि हम रेफर करेंगे इट इज़ बींग decided कि वो थेरेपिस्ट उसके इशू को अच्छी तरह डील नहीं कर सकता इसलिए वो उसको किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास भेज रहा है लेकिन दूसरे थेरेपिस्ट के पास अगर अभी उसको जाने में टाइम है वेटिंग टाइम ज़्यादा है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द हेल्प एंड सपोर्ट शुड बी कॉन्टिन्यूसली बी प्रोवाइडिंग टू द क्लाइंट इज वेरी इन वैल्यूएबल क्योंकि उस वक्त उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते तो थेरेपिस की ये एथिकल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो एज अ गुड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसका उस वक्त तक उसका ख्याल रखे जब तक उसको नेक्स्ट थेरेपिस्ट जो है वो प्रॉपरली अपना टाइम्स जो है वो अलॉट नहीं करते था